हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, अब से कुछ ही देर पहले हाथरस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हुई है आज की। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूरे मामले पर एक हलफनामा अदालत के सामने रखा गया। एबीपी न्यूज के पास वो हलफनामा मौजूद है। इसमें यूपी सरकार ने लड़की के 3 बयान कोर्ट को बताए। अंतिम संस्कार रात में क्यों किया, इसका जवाब अदालत को दिया। पूरी घटना के बारे में विस्तार से जानकारी अदालत को दी। ये वो हलफनामा, ये वो एफिडेविट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो अदालत में रखा गया। इस एफिडेविट की बड़ी बात यही है कि इस एफिडेविट में पीड़ित के जो लड़की है उसके 3 बयान हैं, जिसका जिक्र किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। जो सबसे ज्यादा किरकिरी, सबसे ज्यादा घेराबंदी उत्तर प्रदेश सरकार हाथरस के प्रशासन की हो रही थी कि अंधेरे में चोरी छिपे लड़की के शव को जला दिया, उसे लेकर इस एफिडेविट में जवाब दिया गया है कि अंतिम संस्कार रात में क्यों किया गया। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से इस हलफनामे में पीड़ित लड़की के रात में अंतिम संस्कार किए जाने पर बाकायदा लंबी चौड़ी सफाई दी गई है। हलफनामे में लिखा गया है जिला प्रशासन को इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे कि अंतिम संस्कार के दौरान बड़ी हिंसा हो सकती है, बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो सकते हैं, इस मुद्दे को जातीय और सांप्रदायिक रंग दिया जा सकता था। अयोध्या बाबरी केस पर आए फैसले के बाद जिले में हाई अलर्ट था। साथ ही कोरोना की वजह से केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक प्रशासन को यह सुनिश्चित करना था कि एक जगह पर लोग बड़ी संख्या में जमा ना हो। तो सरकार ने कहा है कि आखिरकार रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार क्यों किया, इसकी वजह सिलसिलेवार ढंग से जो इस एफिडेविट में गिनाई गई, जिसमें कोरोना में भीड़ को जमा होने से रोकना था, एक वजह यह भी बताई गई है। मृतक लड़की के परिवार वालों को जिला प्रशासन ने रात में ही अंतिम संस्कार के लिए राजी किया, जिससे सुबह के वक्त ऐसा करते हुए बड़े स्तर पर होने वाली हिंसा को टाला जा सके, ये सरकार ने बताई है वजह अंतिम संस्कार रात में करने की। सबसे बड़ा सवाल सरकार पर यही था कि आखिरकार स्थानीय प्रशासन ने ऐसा क्यों किया। स्थानीय प्रशासन ने रात के अंधेरे में 2:30 बजे शव जो है उसे क्यों फूंक दिया। अब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है पोस्टमार्टम के 20 घंटे बीत चुके थे, परिवार को राजी करके ही अंतिम संस्कार रात में किया, अंदेशा था कि सुबह होते ही भीड़ जुटना शुरू हो जाएगी, भीड़ से बचाने के लिए, जातीय हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा से पूरे इलाके को झुलसने में बचाने के से ही प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। निपुण, सबसे अहम तो इसी सवाल का जवाब था कि आखिरकार रात के अंधेरे में 2:30 बजे बिना परिवार की रजामंदी, बिना परिवार की मौजूदगी के अंतिम संस्कार कैसे कर दिया स्थानीय प्रशासन ने। और स्थानीय प्रशासन की तरफ से यूपी सरकार ने जो जवाब दिया है उसमें तो बताया गया है कि परिवार को राजी कर लिया गया था, और क्या क्या वजह गिनाई गई है जरा बताइए विस्तार से। देखिए, यूपी सरकार ने जो मुख्य रूप से बोला, इस घटना के बारे में बताया है और परिवार की रजामंदी के बारे में बताया है। इसके अलावा सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ये मामला आज पहली दफा लगा था। यूपी सरकार को ना कोई नोटिस जारी हुआ था, ना कोई जवाब मांगा गया था। सुनवाई से पहले खुद ही हलफनामा दाखिल कर दिया यूपी सरकार ने। एक मुस्तैदी दिखाई अपनी तरफ से और ये बताने की कोशिश की कि 14 तारीख से लेकर अब तक जो कुछ भी इस मामले में हुआ है उसमें नियमों का पालन किया गया है, हमने अपनी पूरी भूमिका निभाई है। जब जब पीड़िता ने जो बयान दिया हमने वो सेक्शन दर्ज किया, आरोपियों की गिरफ्तारी की, जो उसकी मृत्यु के बाद परिवार की रजामंदी से ही दाह संस्कार किया गया, ये तमाम बातें कही है। उसके अलावा ये कहा है कि जब लगा कि जांच में कुछ कमी हो सकती है तो हमने SIT का गठन कर दिया, इसके बाद लगा कि लोगों की भावनाएं और हमें भी लगा कि निष्पक्ष जांच हो जिसमें राज्य की पुलिस का कोई दखल ना हो तो हमने CBI जांच की अनुशंसा कर दी है। आगे यूपी सरकार कहती है कि CBI ने अभी तक जांच को स्वीकार किया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट खुद आदेश दे दे CBI को कि आप जांच कीजिए और सुप्रीम कोर्ट निगरानी का काम अपने ऊपर ले ले। तो ये तमाम बातें बताकर बिना नोटिस के जवाब दाखिल करके यूपी सरकार ने खुद को पाक साफ दिखाने की इस मामले में कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी विस्तार से सभी बातों को सुना है और कुछ पहलुओं पर जवाब यूपी सरकार से मांगा है। सुनवाई फिर अगले हफ्ते होगी। पाक साफ दिखाने की कोशिश यूपी सरकार की तरफ से ये जो की गई है इस हलफनामे के जरिए, इस हलफनामे के बाद और सामने आने के बाद वो क्या कुछ सवाल हैं जिसे लेकर अभी और
घेरा जा सकता है यूपी सरकार को, मैं इस पर आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जो हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें लड़की के तीन बयानों का जिक्र किया गया है। तीन बयान शामिल हैं और उनमें क्या कुछ कहा गया है ये जान लीजिए आप। पहला बयान 14 सितंबर का बयान है, इसमें पीड़ित ने कहा था कि संदीप ने जान लेने की कोशिश की। दूसरा बयान ये देखिए, ये पहला बयान आया, ये 14 सितंबर का बयान है, और दूसरा बयान 19 सितंबर का, इस दिन पीड़ित ने कहा कि संदीप ने यौन शोषण कर हत्या की कोशिश की, ये 19 सितंबर को पीड़ित ने बयान दिया। और फिर आखिरी बयान, तीसरा बयान 22 सितंबर का, इसमें पीड़ित ने नाम लिए संदीप, रामू, लवकुश, रवि, इन्होंने रेप किया, कुछ और नाम इसमें जोड़े पीड़ित ने। अच्छा, हाथरस में पुलिस और प्रशासन की भूमिका पहले दिन से ही सवालों के घेरे में, ऐसा लग रहा था जैसे किसी सच पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। और अब आरोपियों का परिवार सामने आया है, इस पूरी घटना की एक नई कहानी सामने लेकर आ रहा है आरोपी पक्ष। सवाल है कि पीड़ित लड़की के परिवार ने क्या अब तक जो कुछ कहा है, अब आरोपियों का परिवार जो कह रहा है उसमें आखिर सच है क्या? अगर मेरे बेटा ने गुनहगार करा है तो दाढ़े से गोली मार दो, अगर मेरा बेटा गुनहगार नहीं है तो मेरा बेटा मुझे वापस दो। वही लोगों की सोची समझी सादे से, जो अब ये लोग मोड़ उसे नया दे रहे हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाथरस की हैवानियत का सच क्या है? जिस घटना ने पूरे प्रदेश को हिला दिया, जो परिवार पिछले कई दिनों से धमकियों और डर के साए में जी रहा है, अब उस परिवार के दावों और आरोपों पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जनता का और क्षेत्र का लोगों का कहना है कि वो बच्चे निर्दोष हैं, क्यों कि वो 14 तारीख को स्वयं चल के गई थी और उसने कहीं भी रेप और अन्य किसी बात का जिक्र नहीं किया था, लेकिन अन्य राजनीतिक दलों के लोगों ने उसको बहला बहला के समय समय पर तरह तरह के बयाने बदलवाते गए। आरोपियों का बचाव करने वाले ये हैं हाथरस के पूर्व बीजेपी विधायक राजवीर सिंह पहलवान। राजवीर सिंह के घर में रविवार को एक पंचायत हुई जिसमें गांव के वो लोग इकट्ठा हुए जो इस मामले में आरोपियों के पक्ष में खड़े हैं। इस पंचायत में आरोपियों के परिवार के लोग भी शामिल हुए और उन्होंने आरोपियों को तुरंत रिहा करने की मांग की। मेरा बेटा निर्दोष है बिल्कुल, मैं लवकुश के पास ही थी जहाँ वक्त पर घटना उठी है, जब लवकुश के पास में चारा काट रही थी खेत में अपने में, मेरा बेटा निर्दोष बताया जा रहा है। मैंने तो खुद पानी ला के उसको बेटा से बोल के पानी मंगाया, पानी ला के उसकी माँ के हाथ में दिया के बेटा इस लो भाभी इसे पिला दो, और मेरा बेटा निर्दोष बताया जा रहा। मेरा बच्चा घटना वाले दिन गामीण आओ, वो करीब 7 बजे रोज की तरह ड्यूटी चलो जाते चिलर पे, और घटना बिल्कुल असत्य है। जो बच्चे निर्दोष बताए जा रहे हैं सबरे के सबरे, इनमें मौके पे कोई नहीं है, और मेरा बच्चा मेरे पास गाय पिला रहा था पानी, मैं उसके साथ था, बाल्टी भर भर के पानी पिला रहे नवारे दोबारे। इन लोगों का कहना है कि जो जिन लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया गया है उनमें से 3 लड़के निर्दोष हैं, और ये सारे लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं इस सभा में मौजूद हैं, वो ये चाहते हैं कि उन तीनों लड़कों को रिहा किया जाए और उनके पक्ष की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। नार्को टेस्ट के पक्ष में हैं और नार्को टेस्ट का की जो बात आई है उसको लेकर के यहाँ पर खुशी जताने के लिए ये सभा थी। हाथरस केस में आरोपियों का परिवार ये साबित करने में लगा है कि गैंगरेप हुआ ही नहीं और इस सारी घटना की वजह पुरानी रंजिश है। मेरे बेटे को नाजायज फंसाया जा रहा है, मेरा बेटा टाइम वहाँ था ही नहीं, और ये पुरानी रंजिश है उसे निभा रहे हैं। तो हमारी कोई रंजिश नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, गांव में रह के ये टूटू मैं हर एक इंसान के साथ चलती रहती है, मगर ये रंजिश वाली बात है ये कुछ भी नहीं है। 2006 में जो केस कभी कोई भी बात हुई हो कैसे भी है, तो छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो गया हो तो उसको ये लोग रंजिश का नाम दे रहे हैं, ताकि ये लोग हम लोगों को इस धमकी से मतलब वो कर रहे हैं कि ये रंजिश में बदल जाए, ये सब मोड़ जाए मामला, ये सब शांत हो जाए, ये चुपचाप बैठ जाए, मगर हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लोगों को न्याय चाहिए। जहां पीड़ित परिवार अभी भी अपनी मांग पर अड़ा हुआ है, वहीं आरोपियों के परिवार की तरफ से
नए और गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। उसकी माँ ने उसके भाई ने मारा है, उसका भाई मार के और गठरी लेके घर पे चला गया है। मेरा बेटा निर्दोष है, अगर मेरे बेटा ने गुनहगार करा है तो टाड़े से गोली मार दो, अगर मेरा बेटा गुनहगार नहीं है तो मेरा बेटा मुझे वापस दो और सजा उनको दो जिसने करा है। बार बार कह रहे हैं कि उसकी जांच कराई जाए, CBI जांच कराई जाए, नार की टेस्ट करवा जाए। अपने आप बच्चों को मार देंगे, मेरे साथ थी लड़की, कोई फिर बेटी बुरी किसी को लगती है, को मार देगी। मेरी बेटी हंसती खेलती संग सोती, मेरे बगैर तो सोती नहीं थी वो, जब से गई है जब से मुझे नींद नहीं आती है रात को। आरोप ये भी हैं कि पीड़ित लड़की और आरोपी एक दूसरे को पहले से जानते थे, लेकिन पीड़ित परिवार इस बात से साफ इनकार कर रहा है। एक जो बड़ी बात वीडियो जारी करके आरोपी पक्ष लगा रहा है वो ये है माँ जी कि आपकी बेटी अपनी इच्छा से वहाँ गई थी और उस लड़के से वो पहले से मिलती जुलती थी। जितनी बात बना ले जितनी थोड़ी है, मेरी बेटी निकलती नहीं घर से, जाती नहीं, मैं मुश्किल से लेके गई हूँ। मम्मी चल चल कर, नहीं मम्मी तुम जाओ, दोनों जनी तुम चले जाओ, मैं खाना बनाई, वो कहीं जाती नहीं थी, घर का ही सारा काम करती हूँ। तक हमारे अड़ोस पड़ोस के भाई बहन है उनके, वो उनसे भी बात नहीं करती थी, तो वो तो बहुत बड़ी चीज है, उस लड़के से बात करना तो बहुत बड़ी बात है। वो अपने इतना बड़ा शासन है माँ बाप का कि वो माँ से बिना पूछे, हम बाहर भी जा रहे हैं ना तो भाभी मैं नहाने जा रही हूँ, वो बिना पूछे किसी के साथ ऐसे जा सकती है, किसी से मिलने जा सकती है। पीड़ित लड़की के परिवार का कहना है कि ये सारी बातें सिर्फ फैलाई जा रही हैं जिससे पूरे केस को नया मोड़ दिया जा सके। सवाल है कि फिर नार्को टेस्ट कराने में क्या आपत्ति है? हमने कोई अपराध किया है, बच्चा भी हमारा गया, तो फिर दिक्कत क्या है? नार्को टेस्ट किसका होना चाहिए? DM साहब का करवाइए। किसका होना चाहिए? IDO साहब का होना चाहिए। हाँ, जो SO दरोगा जो भी इस उसमें केस में शामिल हुए हैं उन लोगों का करवाना चाहिए। उन्होंने कितने पैसे लिए हैं इस बॉडी को खरीदने के लिए, इस केस को दबाने के लिए कितना खा रहे हैं, क्या सरकार भी बिक गई है? हाँ, उनके सारे जो भी हैं बड़े बड़े अधिकारी सब बिक चुके हैं। पीड़ित परिवार की तरफ से CBI जांच पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जब अब तक पुलिस से लेकर प्रशासन ने उनके साथ धोखा और जबरदस्ती की तो आगे इंसाफ की उम्मीद कैसे लगाएं? वहीं आरोपियों के बचाव में उनका परिवार भी सामने आ गया है। मान लो हमारे बेटा जुर्मबार है तो जो सजा बनते हो फांसी की बनते हो फांसी दे दी जाए, और गुआ के बचाव में अगर हम कहो बच्चा बचाव में हम कहूँ झूठ बोल रहे हो तो हमारी गोली हमें गोली मार दी जाए। इस बीच हाथरस में सवर्ण समाज की तरफ से भी आरोपियों के पक्ष में लामबंदी शुरू हो गई है। उन्हें निर्दोष बताने के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दोषी कोई बचे नहीं, तो खबर का कोई पहलू आपसे छूटना नहीं चाहिए, इसी वजह से हर पक्ष की आवाज आप तक पहुंचाते हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।